दोस्तों हम लोग का पास आ गया आज बजाज एवेंजर, ठीक है ना। देखिए 150 इसका था, तो 150 cc, ठीक है ना, 150 cc। तो उन दादा ने बोला चेन गियर चेंज होगा, बजाज कंपनी का इंजन ऑयल चाहिए, और मतलब जो भी सामान चेंज करना चाहिए तो मुझे कल करने का कोई ज़रूरत नहीं, पूछने का कोई ज़रूरत नहीं, जैसा अच्छा होगा वैसा कर देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी सामान अगर आपको लगेगा बदलना होगा तो बदल दीजिएगा सीधा। तो इतना का भरोसा है, हम देखे तुरंत, हम लेकिन थोड़ा सा रुकिए, दोनों चक्का देखे बेरिंग बिल्कुल सही है। ओनली क्या काम होगा, एयर फिल्टर खुलने का बाद पता चलेगा ये सही है या खराब है। तो चेन चेन किट नया लग जाएगा, इंजन ऑयल नया लग जाएगा, वही दोनों फिलहाल नया लगेगा। ब्रेक सो रेक्सो अगरा वगैरह दिखते खुल के शायद चल जाएगा, हम हाइए है रिपेयर वाला मैकेनिक। और इसमें हम मोबाइल भी देखा है उन्होंने, देखा यही मोबाइल डालना है, ठीक है ना, यही मोबाइल 550 का लिस्ट है, क्या मेरे पास हर एक मोबाइल है। हम बोले कोई भी कंपनी या कैस्ट्रोल मोटोल वीडोल कोई भी डालना है डाल, बोले बजाज कंपनी का ही डालना है, तो यही डालेंगे। 550 का लिस्ट है, 550 ही पड़ेगा। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग इसमें आगे वाला स्पॉकेट का चैम्बर में ही कर देते, डीजल है यहाँ पे, मारते गाड़ी को, करते वॉश, करते नया, ठीक है ना। फिर चक्का खुलते, चेन किट लाएंगे बजाज शोरूम से, कितना रुपया लगेगा हर एक चीज़ हम शेयर करेंगे। तो हम लोग सर्विस में क्या क्या करते दिखाते हैं, दोनों चक्का खुलेंगे, ग्रीस करेंगे, वायर को मतलब मोबाइल या डीजल पिलाएंगे, ठीक है ना। पिकअप का केबल जो है एस्केलेटर केबल, उसमें भी तेल उल डालेंगे ताकि फ्री चले। तो फटाफट से हम लोग काम करते शुरू। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा बाइक का रिलेटिव। तो फटाफट से हम लोग तेल मारते और वॉश करते गाड़ी को, तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो फुल देखिएगा। तो गाड़ी वॉश करना शुरू कर दे हम लोग, पहले अच्छा से वॉश होगा, ठीक है ना। उसका ऊपर हम लोग शैम्पू मारेंगे या फॉम मारेंगे या सर्फ मारेंगे, हम लोग का मर्जी है क्या मारेंगे देखते हैं। ऊपर तो हम लोग पहले फॉम ही मारेंगे, उसके बाद नीचे सर्फ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे फॉम शैम्पू से नीचे बोला अच्छा से सफाई नहीं हो सकता है। हम लोग का सुबह का फर्स्ट काम यही होगा, चेन इसको हम लोग शोरूम से लाएंगे, पहले अच्छा से वॉश कर लेते इसको। একটু পেট্রোল দেবো, এখন খেয়ে দেবো উপর থেকেটা। दोस्तों अभी हम लोग इसमें डालते हैं, मोबाइल नट लग गया ना, तो हम लोग डालेंगे इसके मैं बजाज का इंजन ऑयल, ठीक है ना। देखिए एयर फिल्टर का भी काम हो गया, वॉश करके वही लगा दे, जिनका गाड़ी उन्होंने बोला बजाज का ही डालना है। इसका लीज भी दिखाएंगे डालने का बाद, उसका MRP भी थोड़ा दिखा देना। तो लगभग आधा काम हो गया, अभी चक्का ग्रीस करना है, पिकअप का केबल को फ्री करना है, क्लच केबल फ्री करना है, और चेन नया लगाना, ठीक है ना। अभी जाते हैं हम शोरूम और चेन लाते हैं, चलो एक एक करके कर देते, MRP दिखा देना थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना है, 550 ना, 550 रुपया। चलो इंजन ऑयल का काम हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाला चक्का खुलते और पीछे वाला गियर भी खुलता, नया वाला ला के सेटिंग करते हम लोग फटाफट से। तो दोस्तों देखिए आगे वाला GB स्पॉइट हम लोग नया डाल दिए, अब होगा ये होगा चेन, इसमें लॉक सिस्टम भी है, और इसका MRP दिखाते कितना है, देखिए 1985, ठीक है ना, 15 रुपये कम 2000, मान चलो 2000 रुपये इसका चेन का कीमत है। अरे भाई कहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे 1950 रुपये इसका दाम है। तो फटाफट से मेरा आदमी लग गया चक्का खुलने में, और भाई चेन ये हो गया, आगे वाला या स्पॉकेट तो लग चुका है, पीछे वाला स्पॉकेट चेन इधर। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते, बाहर में गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस BS6, करंट नहीं आता है, थोड़ा बहुत देखे हम लोग पास में, उनको बोले गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा 1 बजे, फिर वो गाड़ी देना पड़ेगा 3 बजे स्प्लेंडर फुल सर्विस। चलो फटाफट से हम लोग चेन स्पॉकेट फिट कर लेते बजाज एवेंजर का।
तो हम लोग को अत्यन स्पोकर फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये पीछे वाला, तो हम लोग को ये सब नट बोल्ट लगाना पड़ा, काई चेन गिर गया था इसलिए खराब हो गया। ठीक है ना, हम लोग दूसरा तेरह नंबर नट बोल्ट लगा था, दूसरा मॉडल का, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा जिनुइन नट बोल्ट है ये सब। ठीक है ना, छः ठो लगता है, चार ठो लगाया हम लोग, दो ठो लग गया, चार ठो नया ही लगा पाए इसलिए नया लगा दिया। ये हो गया चेन हम लोग का, देखो ये नया चेन फिटिंग हो चुका है। ये लॉक सिस्टम है यहाँ पे, फिर से एक बार बताते हैं चेन का कीमत है दोस्तों, देखिए 1980 रुपया। ठीक है ना, मतलब 15 रुपये का हम 2000 मान चलो, इसमें अलग से फिटिंग चार्ज पड़ेगा। क्या क्या आता है, ये आगे वाला इस पॉकेट चेन, पीछे वाला गियर, तीन आता है सेटिंग। इधर का काम हो गया, पीछे वाला चक्का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग धीरे धीरे ये सब फिट करेंगे। करीब 2 घंटा हो गया, अभी आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसका सारा काम हो गया, देखो हर चीज हो गया, अभी सिर्फ सीट लग रहा है मेरा बंदा। और इसमें एक प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों, क्या प्रॉब्लम, वायरिंग का। ठीक है ना, मतलब इंडिकेटर देखिए उस साइड राइट साइड जलता है, लेफ्ट साइड नहीं जलता है। तो करीब 15 मिनट मेहनत करने का बाद हम लोग किया खुले, यहाँ से डायरेक्ट किया नहीं जलता है, क्या बात। तब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काट के, काटने का बाद टाने तो ये तार निकल गया। ठीक है ना, ये निकल गया देखो, और कहाँ से काटा, यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग फाड़े, फाड़ने का बाद अभी तार हम लोग इधर से घुसाएंगे। कई अक्सर दोस्तों जो वायरिंग का फॉल्ट है ना, लाइट उठ का सब इस साइड से होता है, तो अभी वायर हम लोग कैसे घुसाएंगे, आराम से घुस जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इधर से आएगा, तो ऐसा कर देंगे तो देखने में ख़राब लगेगा, तो हम लोग फंसाएंगे इधर से। चलो इधर से धीरे धीरे ऐसे चला जाओ भाई, चला जाओ, आराम से चल जाएगा, चल जाओ, चल जाओ। ए देखो इधर से आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्लस का मदद लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप इसको थोड़ा सा, हाँ भाई आ जा, देखो पहले फिर से एक बार देखा था। ठीक है ना, देखो इधर जलता है ना, अब इधर मत है, देखो इधर नहीं जलता है। हाँ तो हम लोग सिर्फ वायर को जो जुड़ेंगे, हाँ यहाँ पे देखे, ये देखे शुरू हो गया। तो जैसे हम हाथ हराएंगे बंद हो जाएगा, ये देखे यहाँ पे काट हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे अभी अच्छा से ज्वाइन करते, यहाँ पे जुड़ने का बाद फिर टेपिंग करते अच्छा से। ठीक है ना, फिर दिखाते, फिर सब हम लोग फटर से फिट कर लेते हैं। अक्सर लाइट का हो या कोई चीज़ का इधर से ज़्यादातर कटता है, मतलब 80% यहीं से कटता है, 80-90% यहीं से कटता है। तो फटर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, आरी करते हैं, इंडिकेटर प्रॉब्लम था एवेंजर, चलो फटर से हम लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे टेपिंग मार दे, अभी पूरा टेपिंग मार देते इधर। ठीक है ना, आप देखिए जलना शुरू, अभी जैसे मारेंगे इस तरह, हाँ देखो इधर जलना शुरू, फिर इसको इधर जैसे ऐसे टानेंगे तो आ जाओ, ये देखो सही। तो फटर से हम लोग यहाँ पे टिपिंग करते, यहाँ पे टिपिंग करते और इसको करते फिटिंग। ठीक है ना, यहाँ पे काम कर रहा है, बाहर में काम भी है, किशनगंज जाना पड़ेगा वो टीवीएस का रेगुलेटर लाने के लिए, बैटरी बैठ जाता है। तो फटर से हम टेपिंग कर लेते हैं, कहीं एक हाथ से काम करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कहीं दूसरा हाथ में मेरा है कैमरा, हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो हो गया टेपिंग, इसको टांगते, हो गया टेपिंग का काम कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग फटर से फिट कर लेते, ठीक है ना, तो दोस्तों करते फिटिंग फटाफट से। हाँ ओ भाई फिटिंग हो गया, आई हो गया, यहाँ पे घाट होगा तो फटर से दो स्क्रू लगा लेते, यहाँ पे स्क्रू ये हो गया, या तो अभी एक हाथ से मेरे से नहीं होगा, दो हाथ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इधर हो गया कंप्लीट, आप देखते ये देखे बिल्कुल सही है, इधर मरते ये देखे चलता है, फिर हाथ मारते इधर। हाँ तो इंडिकेटर का काम सक्सेस हो गया। तो दोस्तों
ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं जैसे हम लोग के पास टाइम मिलता है ऐसे हम लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं। अब बहुत हम लोग का मिथुन भाई इसका खर्चा कितना है, देखो भाई हम लोग करीब इसमें 20 मिनट से या आधा घंटा के आसपास लगा, ठीक है ना, टोटल में तो इसका मजदूरी कम बेस हो सकता है 100 रुपया, मान चलो 80-100 रुपया हो सकता है, ठीक है ना, 80-100 कोई अगर जान पे जाएगा जल्दी हो गया 50 रुपया में कम बन जाएगा। अगर कोई दोस्त मिस्त्री है तो फ्री में कर सकता है, वो अलग बात हो गया, नहीं तो मेरा हिसाब से 80 रुपया हो जाता है, 80-100 रुपया बिल हो जाता है। तो इधर का काम हो गया क्लियर। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, गाड़ी का काम कंप्लीट, अभी हम इसको घर बैठ के पूछते हैं, मेरा आदमी बाहर से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का इसमें कपड़ा मारते, कपड़ा मारने के बाद क्या करेंगे हम लोग पॉलिश मारेंगे, इसका काम बिल्कुल फुल सर्विस कंप्लीट, सब में पॉलिश मारना है ना, पहले कपड़ा मार लेते थोड़ा बहुत जो भी गंदा है, उसका बाद हम लोग इसको करेंगे क्लियर। पॉलिश मारने के बाद गाड़ी चमक आ जाएगा, न्यू जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा चमक इसमें थोड़ा बहुत कपड़ा मार लेते हैं, फिर पॉलिश मारने के बाद दिखाते हैं इसका कलर कैसा हुआ। तो अभी हम जा रहे हैं टेस्ट जाँचने, ठीक है ना, यहाँ पे दुकान से निकाल दे गाड़ी, अभी जाते हैं टेस्ट जाँचना, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ट्रांस मतलब कम्प्लीट, नेशनल हाईवे भी खाली है, बहुत सारे थे, मेरा आगे गया पिकअप, इसका किला स्प्लेट थोड़ा सा डाउन है दोस्तों, और बिल्कुल सही है, देखिए टांग गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बंद करेंगे कैसे, ब्रेक चाप के ऐसे। तो दोस्तों गैरेज में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टर्न्स, टर्न मतलब फुल सक्सेस, का जितना सारा प्रॉब्लम था हम लोग सॉल्व कर दे, हवा हवा हर चीज डाल दे, अभी सिर्फ गाड़ी लेने आएगा और दे देंगे, ठीक है ना। अब बहुत आदमी बोलेगा इसका बिल कितना हुआ, तो दोस्तों इसमें डाले हम लोग बजाज कंपनी का इंजन ऑयल 550 रुपया का, और चेन स्पेयर का कीमत हो गया दोस्तों 1985 रुपया, मतलब 15 रुपया कम 2000, मान चलो 2000 रुपया का चेन स्पॉकेट का 2000, और 550 का इंजन ऑयल हो गया, और स्पॉकेट का 6 बोल्ट था ना, 2 सही है और बाद बाकी 4 नया लगाना पड़ा, ठीक है ना, उनका 40 रुपया लिया, और हम लोग का मजदूरी लेंगे 300 रुपया इनका, ठीक है ना, ओनली 300 रुपया मजदूरी, इतना ही बिल हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं।